कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का हाथ रहा है। जो मेरे सुनने में आया, अशोक गहलोत का बेटा वैभव गहलोत, उसने भी हथियारों को, कुछ हथियार उपलब्ध कराएं प्रशासन सरकार से। मेरा सिर्फ इतना पूछना है, और अशोक गहलोत से भी कह रहा हूं मैं कि अभी तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री अभी हो, अब नए मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है, और अगर आपके अंदर जरा भी शर्म आया है तो कुछ शब्द बोलो। लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज किया था ना आपने? मैं वही चैलेंज नहीं किया, एक जेल में बैठा हुआ चूहा वो किसी को धमका देगा, किसी को मरवा देगा। मेरा नाम सूरज पाल सिंह का मुंह है, मैं करनी सेना का अध्यक्ष हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ, मैं कोई यहाँ पर कोई ऐसे वैसे नहीं बैठा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़े की हत्या मामले में हमारे साथ मौजूद हैं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पाल अम्मू। सर, इस पूरे मामले को लेकर काफी सवाल आपने खड़े किए थे, अभी तक की तफ्तीश में क्या कुछ साफ हो पाया? पहली बार देश के अंदर एक मुख्यमंत्री, जो अभी तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री राजस्थान का, FIR के अंदर उसका नाम आया अशोक गहलोत का। और बड़े दुख का विषय है कि एक व्यक्ति अपने लिए लगातार कई सालों से, कई महीनों से अपनी सुरक्षा की गुहार करता रहा मुख्यमंत्री से, अधिकारियों से, और उसकी गुहार को अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। पंजाब पुलिस के इंटेल था, पंजाब पुलिस की तरफ से सूचना थी कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारने की पंजाब की जेलों में साजिश रची जा रही है। केंद्र की तरफ से भी, मेरी जहाँ तक जानकारी है, सूचना कांग्रेस शासित राज्य उस समय अशोक गहलोत को दी गई थी, इनका अधिकारियों को दी गई थी, परंतु लापरवाही क्यों बरती गई, क्यों ऐसा कुछ हुआ? मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये राजनीतिक हत्या है, ये राजनीतिक साजिश करके हत्या कराई गई है। एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए मांग कर रहा है, आप शासन में है, प्रशासन में, सरकार में है, एक व्यक्ति जिसको जान का खतरा है, जो देश के इतने बड़े संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जिसको लोग प्यार करते थे, आज वो प्यार पूरे देश के अंदर दिख रहा है सड़कों पर। पूरा राजस्थान बंद हो गया, लाखों लोग सड़कों पर उतर गए, परंतु कब उतरे? जब उस व्यक्ति ने अपनी जान से हाथ धो दिया। प्रशासन सरकार से मेरा सिर्फ इतना पूछना है, और अशोक गहलोत से भी कह रहा हूं मैं कि अभी तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री अभी हो, अब नए मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है, और अगर आपके अंदर जरा भी शर्म आया है तो कुछ शब्द बोलो। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इस बात की, इस जघन्य कांड की आलोचना की, परंतु आज अशोक गहलोत के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। इसलिए गैंगस्टरों के साथ मिलना, और राजस्थान के अंदर कहीं पहले भी अपराध काफी उच्च स्तर पर बढ़ रहा था, चल रहा था, मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर माफियाओं के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का हाथ रहा है। जो मेरे सुनने में आया, अशोक गहलोत का बेटा वैभव गहलोत, उसने भी हथियारों को, कुछ हथियार उपलब्ध कराए, ऐसी सुनने में कुछ सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। इसकी जांच NIA से की, NIA से कराई जाए, ऐसी हमारी मांग थी। पुलिस ने हमारी कुछ मांगों को गंभीरता से लिया है, हमारी मांगे मानी है। परिवार को शीला शेखावत, जो सुखदेव सिंह की धर्मपत्नी है, उनके परिवार को, उनकी दो नन्ही नन्ही बेटियां हैं, उनको सुरक्षा मिले। उनके नहीं, सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप, क्या लगता नहीं कि आपको जल्दबाजी है? लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने, रोहित गोदारा ने हत्याकांड के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की कि हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से की गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कई सालों से लगातार सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को थ्रेट थी। एक धर्मेंद्र राठौर हैं, जो अशोक गहलोत जी के काफी निकट के पॉलिटिशियन है, कांग्रेस के, धर्मेंद्र राठौर के काफी निकट है, रहे हैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। परंतु उसके अलावा जो लाल डायरी के मामले में चर्चित एक चेहरा था, मंत्री थे राजस्थान के, राजेंद्र गुड़ा, उन्होंने विधानसभा के अंदर आवाज उठाई, उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा कि एक व्यक्ति अपने सुरक्षा की गुहार कर रहा है, लगा रहा है, आप उसको सुरक्षा दीजिएगा। दो दिन के लिए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को सुरक्षा प्रदान की गई, और दो दिन के बाद किसके कारण वापस ले ली गई वो बता रहे। जो अधिकारी दोषी हैं, हमने NIA से कहा, हमने न्यायिक जांच की मांग करी है, न्यायिक जांच की मांग के लिए भी प्रशासन ने, माननीय राज्यपाल महोदय से हमने कहा, प्रशासनिक अधिकारियों ने हमसे कहा है कि हम निश्चित तौर पर न्यायिक जांच करेंगे, सुरक्षा में जो सुरक्षा देकर वापस ली गई और सुरक्षा पूरी क्यों नहीं दी गई, उसकी भी बात को हमारी को मान लिया गया है। परंतु 72 घंटे का अल्टीमेटम करनी सैनिकों ने दिया है, राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीरता दिखानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एक जनप्रिय नेता, एक ऐसा व्यक्ति जो जनता के लिए स्वच्छ छवि का व्यक्ति, एक जो हर
36 कौम के लिए हमेशा उसके दुख दर्द के लिए खड़ा होता था। उसका पिछला बैकग्राउंड क्या है मुझे नहीं पता, परंतु मुझे इतना पता है कि जिस प्रकार से आज उसके साथ जो घटना हुई है वो किसी के साथ भी घट सकती है। सरकार को सुरक्षा अल्टीमेटम 72 घंटे का क्या कुछ है और क्या कुछ इसके बाद करनी सेना करने जा रही है? निश्चित तौर पे अनेकों राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, या हिमाचल प्रदेश हो, या और भी महाराष्ट्र हो, अनेकों राज्यों में ज्ञापन करनी सैनिकों ने प्रशासन को दिए, सरकार को दिए। मुझे लगता है सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं केंद्र में माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह से अनुरोध करूंगा कि इस पे गंभीरता से विचार किया जाए। गृह मंत्री को एक बात और पे भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ये सुखदेव सिंह गोगामेडी पहली हत्या नहीं है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर। सिद्धू मूसेवाला है, पटौदी के अंदर दो सगे भाइयों शराब कारोबारियों की हत्या की गई, उसके बाद से लगातार दायरा बढ़ता जा रहा है। क्या लगता नहीं कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में ही है और ये तमाम गुर्गे कहीं ना कहीं कानून को चुनौती दे रहे हैं, कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दे रहे हैं, इस पर गंभीरता से कब विचार किया जाए अगर देश में मोदी सरकार है? निश्चित तौर पर मोदी सरकार है और सख्त निर्णयों के लिए सरकार जानी जाती है। अमित भाई के बारे में पूरा विश्व जानता है। अमित शाह जी जो निर्णय लेते हैं बड़ा स्ट्रांग लेते हैं। NIA ने हरियाणा में भी, राजस्थान में भी अनेकों ने एक जगह छापे मारे हैं, बिश्नोई गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार किया है। और मैं हरियाणा के अंदर अभी गुड़गांव के अंदर किसी व्यापारी परिवार को भी, इसी गोदारा कोई गैंगस्टर है उसने धमकी दी है, वो परिवार भी डर की साए में जी रहा है। उसको भी गुड़गांव पुलिस की तरफ से, पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से सिर्फ एक ही सिपाही मुहैया कराया गया है। अगर वो सिपाही छुट्टी पे होता है तो उसकी जान की, उसके परिवार की जान को अभी भी खतरा बना हुआ है। उसने ये चिंता जाहिर की थी कि जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडे की हत्या की गई थी, वैसे ही अक्टूबर महीने में रोहित गोदारा की तरफ से लगातार उसके परिवार के ऊपर थ्रेट किए जा रहे हैं, उसको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तो गुरुग्राम पुलिस क्यों इस पूरे मामले को लेकर खामोश? बिल्कुल खामोश नहीं है, सुरक्षा प्रदान की गई है। और मुझे उम्मीद है प्रदेश के गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी भी बिश्नोई गैंग, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में जो एक फौजी जो महेंद्रगढ़ जिले का है, उस वो उसकी संलिप्तता है, वो शूटर था, उसमें मेन शूटर था, एक और एक था मकराना का, राजस्थान का, ये लोग थे। तो हरियाणा के साथ कहने के कनेक्शन सुखदेव का भी जुड़ा हुआ है और जो गुड़गांव के अंदर जो धमकाया जा रहा है वो भी है। गुड़गांव आज की डेट में एक बिजनेस कैपिटल है, तो यहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टरों की नज़र रहती है, तो यहाँ पर सख्ती की जरूरत है। मैंने राजस्थान में जयपुर के अंदर मैंने मांग की वहाँ की सरकार से, और मैं हरियाणा की सरकार से भी कहूँगा कि ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, ऐसे जो गिरोह हैं, ऐसे जो गैंग हैं जो पनप रहे हैं, उनको योगी मॉडल की तरह कहीं ना कहीं सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसे लोगों को पनपने से पहले ही उनको समाप्त कर देना। नहीं तो NIA ने क्यों नहीं लिया सख्ती से निर्णय, क्योंकि NIA की काफी लंबे समय से रेड चल रही है, तमाम लॉरेंस बिश्नोई या फिर जितने भी गैंगस्टर हैं देश भर के, उत्तर भारत के जितने गैंगस्टर हैं उनके ठिकानों पर, उनके ठिकानों को नेस्त नाबूद भी किया गया। तो अब जेल में बैठकर ये गैंगस्टर लगातार हत्याएं करा रहा है, चाहे हम GP ग्रेवाल पंजाबी सिंगर की बात करें, उसको भी जान से मारने की धमकी दी गई है, या फिर अब सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं, या फिर गुरुग्राम के जो राकेश यादव हैं उनको भी इस तरह की धमकी दी गई थी। मैंने आपको सोशल मीडिया पे मुझे कल से थ्रेट्स आ रही हैं, हम लोग थ्रेट्स को देखते भी हैं। लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज किया था ना आपने? मैं वही चैलेंज नहीं किया, एक जेल में बैठा हुआ चूहा वो किसी को धमका देगा, किसी को मरवा देगा? मेरा नाम सूरजपाल सिंह का मुंह है, मैं करनी सेना का अध्यक्ष हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ, मैं कोई यहाँ पर कोई ऐसे वैसे नहीं बैठा। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया डरने के लिए नहीं, किसी को डराने के लिए नहीं, किसी को धमकाने के लिए नहीं। मैं मेरे देश के लोगों को कैसे सुरक्षा दिलाऊं, नागरिकों को कैसे सुरक्षा मिले, उसकी चिंता मुझे सबको करनी चाहिए। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसके लोग जो सोशल मीडिया का सहारा लेके जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, क्या उनसे लोगों को डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। मेरा एक अनुरोध है और खासतौर पर आज तक के माध्यम से है, मैं अगर आप इसको जरा जूम करें, ये अगर देखें तो इसमें लिखा है कि अब तेरी बारी है जो तूने गाली दे के गलती कर दी। एक तो हम किसी को गाली नहीं दिया करते। लॉरेंस बिश्नोई वगैरह वगैरह, रिप इन एडवांस, मुझे वो कह रहा है रिप इन एडवांस, रेस्ट इन पीस इन एडवांस, सूरज पालम्मू को कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ताऊ कब उठा लिए जाओगे पता भी नहीं चलेगा। अरे ताऊ नहीं हूं मैं, धारा फूफा हूँ, मेरा वजन घना है, आराम से नहीं उठूंगा। धमकियों से वो लोग डरे जो तुम्हारे गीदड़ भक्तियों से डरते होंगे। हम लोग तो सर कफन जो है सर पे बांध के चलते हैं। मैं अब मुझे सिर पे कफन बांधने की नौबत आई क्यों? देश में मोदी सरकार है, क्यों नहीं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है?
मोदी सरकार ने जितनी सख्ती गैंगस्टर्स के खिलाफ की है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने जीता जागता एक मिसाल, सिर्फ उत्तर प्रदेश पूरे देश में नहीं, मैं कुछ हरियाणा के अंदर भी, हरियाणा के अंदर से गंदगी साफ हुई है। एनआईए ने जितने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो शूटरों को और जो बदमाशों को जो ये गैंग चला रहे थे इनको पकड़ा है, इतनी तेजी से कार्रवाई किसी ने नहीं की। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपसे, किसी को इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं आज तक से कह रहा हूँ किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, अगर डरोगे तो और डराएंगे। इनको जवाब देने का समय है। मैं एक बात की गारंटी लेता हूँ, व्यक्ति जीवन में एक बार पैदा होता है और एक बार ही मरता है, डर के मरना कायरता है, ऐसे लोगों से डरना। परंतु कोई घर में झूठ बोलकर आएगा और आपको गोली मार के चला जाएगा, वही जिसको आपने मारा वो पुलिस से सरकार से अनुरोध करता रहा, अशोक गहलोत सोते रहे, अशोक गहलोत के अधिकारी उनकी फाइल को दबाकर बैठे रहे, पंजाब पुलिस कहती रही, केंद्र सरकार कहती रही कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो सकती है, उनको सुरक्षा प्रदान करो। अगर आज गुड़गांव में जिस व्यापारी को धमकी दी जा रही है उस परिवार की कमिश्नर और पुलिस गुड़गांव चिंता नहीं करेंगे, प्रदेश के गृहमंत्री मुख्यमंत्री चिंता नहीं करेंगे, तो उसको भी कोई कर देगा। प्रदेश के गृहमंत्री, हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज जी को और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को चिंता है। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को अब इनका इलाज मौके पर करना चाहिए। पुलिस के अधिकारियों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ और सलाह भी दे रहा हूँ, सिद्धू मूसेवाला, गिप्पी गिरेवाल, सुखदेव सिंह गोगामेडी, और अब आप, आपको भी धमकी आनी शुरू हो गई है। कौन है वो लोग जो आपको धमका रहे हैं? आपसे कह रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई का कोई व्यक्ति हो, गोदारा का कोई साथी हो, संपत नेहरा का कोई व्यक्ति हो या अन्य लोग हो, मुझे भी हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा दे रखी है, धन्यवाद। परंतु एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सूरजपाल अम्मू दिन रात हजारों लोगों से मिलता हूँ, पूरे देश के अंदर घूमता हूँ, 40 देशों में घूम चुका हूँ। सलमान खान नहीं है ये, सूरजपाल है। मेरे को ऐसे चूहों को उनका कैसे इलाज होता है, मैं माँ करनी का भक्त हूँ, जहाँ पर लाखों चूहे उस करनी माता के मंदिर में पड़े रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और वहां पर एक चूहा जिसको व्हाइट चूहा, जिसको हम माँ करनी का रूप मानते हैं, सूरजपाल अम्मू ने उसके दर्शन किए हुए हैं। मैं उस चूहे का सम्मान करता हूँ जो मेरा माँ करनी का रूप है, जिसको देखकर सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इन चूहों की तो हम कोई औकात ही नहीं समझते। हमको, मैं सोना शमशान समिति का अध्यक्ष हूँ पिछले 27 वर्षों से, वहाँ हर रोज देखता हूँ, हर व्यक्ति को खाली हाथ जाना है। हम डर के जाएं, यह ना हमारी माँ ने सिखाया, ना हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। हमने मुगलों से लड़ाई लड़ी है, हमने अंग्रेजों को खदेड़ा है देश से। मैं उस क्षत्रिय कौम से आता हूँ, उस राजपुताना से आता हूँ, जहाँ पर पैदा होते ही संघर्ष करना सिखाया जाता है, गलत बातों का विरोध किया करना सिखाया जाता है, गुंडों को उनकी औकात। हमने अलाउद्दीन खिलजी के दांत खट्टे किए, हमने अकबर जैसे को महाराणा प्रताप के वंशज हैं दांत खट्टे किए हैं। अगर आतताइयों में रावण से बड़ा तो कोई आतताई नहीं था, आतंकी नहीं था। हमने तो लंका में जाकर राम के वंशज हैं उसको भी एहसास कराया कि तूने गलत किया है। गलत करने वाले को हम कहीं भी किसी हद तक भी जाकर उसको एहसास कराते हैं कि तू गलत है। भैया धमकियां देना बंद कर दो, 4 दिन की जिंदगी है, इसमें जितना जेल में सुख मिलता हो ले लो, अगर तुम्हारे को सुख पसंद नहीं है तो करनी सेना को बता दो। सुखदेव सिंह गोगामेडी तो आज हमारे हाथ से चला गया, परंतु अब हम किसी और को सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं बनने देंगे। सिद्धू मूसापुर मूसावाला किसी को नहीं बनने देंगे। कोई भी आएगा किसी को मार जाएगा। मुझे धमकी सोशल मीडिया पे दे रहे हो, यही रहता हूँ गुड़गांव के अंदर, सोना में जन्मा हूँ, जब आए जिसको बहम हो कह के आना, तब तो समझूंगा मर्द। अगर बगर कहे आए तो बगर कहे तो कोई भी आ जाता है, अपना कांड कर जाता है, परंतु सूरजपाल अम्मू छाती चौड़ा कर चलता है, गलत बात का विरोध करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। अच्छा सूरजपाल जी, लास्ट आखिरी सवाल है ये, लॉरेंस बिश्नोई न केवल हत्या कर रहा है, लोगों को धमका रहा है, एक्सट्रोशन की डिमांड कर रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर किसी भी हत्या की जिम्मेदारी भी ले रहा है, क्या ये सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी नहीं है कि कौन वो लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह से जिम्मेदारी लेते हैं कि हत्या हमने कराई है? ये ट्रेंड लॉरेंस बिश्नोई ने शुरू किया है, तमाम सुरक्षा एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हम करते हैं सोशल मीडिया का सदुपयोग लोगों से संपर्क करने के लिए, कुछ असामाजिक तत्व जो गैंगस्टर हैं वो करते हैं दुरुपयोग। मैं सोशल मीडिया के जो चलाने वाले लोग हैं, जो करने वाले लोग हैं, आप लोग और हम लोग सदुपयोग करते हैं, अच्छी बातें पहुँचाते हैं समाज की। सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम की नज़र रहती है और सोशल मीडिया के कारण ही ऐसे लोग बहुत जल्दी पकड़े भी जाते हैं। इसी गोदारा ने एक पोस्ट डाली है
फेसबुक के ऊपर और फेसबुक की पोस्ट कुछ दिन एक अगले दिन डिलीट कर दी। फिर एक और पोस्ट डाली उसमें अशोक गहलोत के बेटे का नाम डाला गया। उसकी जांच वहां पर किसी पुलिस अधिकारी ने की और जांच चल रही है। मुझे जहां तक उम्मीद है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई जाएगी। सोशल मीडिया की सारी बातें सच होती हैं, सारे कमेंट्स कौन कर रहा है कौन जाने किसके नाम से कितने अकाउंट्स बने हुए हैं, तो मैं कम से कम सोशल मीडिया के मामले को इतना गंभीरता से धमकियों को नहीं लेता। तो मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि लोगों को डर के जीना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है। अगर आप सही हो तो आपको डर के जीना नहीं चाहिए। शुक्रिया। तो पहले सिद्धू मूसेवाला, उसके बाद गिप्पी गिरेवाल, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और अब करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू को भी सोशल मीडिया पर धमकी आने लगी हैं कि आपने जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोला है आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेता है ये गैंग। जेल में बंद गैंगस्टर तमाम तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। तफ्तीश जरूर की जा रही है, लेकिन इसके पीछे इसमें शामिल या इसमें ऐसी वारदातों में लिप्त लोग तब गिरफ्तार किए जाएंगे, इस पर बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है।